यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, कितनी ज़्यादा ब्यूटी है यहाँ पे। और आपको आपको नहीं आती है कश्मीरी? क्या करते हो, सीना करते हो? ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये भी हवा का सुपरिटेंडेंट कॉलेज है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आई होप आप सभी बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। आज के इस फ्रेश व्लॉग में हम जा रहे हैं ग्रेज वैली की एक फेमस प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसके बारे में मैंने पिछले व्लॉग्स में, इससे पहले वाले सीरीज में जिक्र किया था। हबा खातून स्प्रिंग को हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, और हबा खातून पीक को, जिसके लोकेशन है अछूरा विलेज में। पहला जो हमारा गांव आएगा यहां से अछूरा आएगा, इस गांव के बाद में हमें राइट लेना है हबा खातून पीक और हबा खातून स्प्रिंग के लिए। यहाँ पे अभी भी आपको दोनों तरफ से, राइट और लेफ्ट तरफ से, यहाँ पे जो मकान आपको नज़र आएंगे वो अभी भी लकड़ी के मकान आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो पीक आपको नज़र आ रही है, यही हबा खातून की पीक है। हमें यहाँ से नीचे जाना है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। हमारे एरिए की ही बस है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला। यहाँ से हमें ऑफ रोड वाला पैच देखने को मिला, आप चेकआउट कर सकते हो। ये जो ये वाला पुल है, ये नया ही यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि इससे पहले 2018 की बात करूँ तो ये नहीं था यहाँ पे, तो फिर पैदल आना पड़ता था। ज़रा आप यहाँ के विजुअल्स को चेकआउट कीजिए, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया विजुअल्स आ रहे हैं। जो हबा खातून स्प्रिंग से पानी निकलता है, वो भी इसी वाले किशन गंगा पानी के साथ मिल जाता है, माशाल्लाह। यहाँ से भी आप विजुअल्स को चेक कीजिए। चवान तो मैं ये क्या वावा जाद ओलो आ क्या ओलो शायद वावा जाद। और आपको आपको नहीं आती है कश्मीरी? क्या करते हो, शीना करते हो? हाँ। अच्छा अच्छा, शीना में बात करूँ मैं? हाँ, करो। नहीं मुझे नहीं आती। उगाते क्या हो यहाँ पे खेतों में? आलू बस, राजमा और आलू ही बस, ज़्यादा वही। और इस वाले गाँव का नाम क्या है? अच्छूरा। और आगे कौन कौन सा गाँव है? इस एक ही वहाँ जाने देते हैं? कहाँ ये थे यहाँ के छोटे बच्चे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर की मैंने यहाँ के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू देम उस वाले पोस्ट से आगे जाने नहीं देते हैं। माशाल्लाह आप चेकआउट कर सकते हो कितने लोग यहाँ आते हैं। यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, कितनी ज़्यादा ब्यूटी है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। जो यहाँ तक ही ये वाला रास्ता मोटरेबल है, यहाँ से आगे मोटरेबल नहीं है। अब हम यहाँ से ट्रैक करके हबा खातून स्प्रिंग तक जाएंगे। जो ये वाली पीक आप देख रहे हो, यही है हबा खातून पीक। अब हम इस वाले ट्रैक को फॉलो करेंगे, पहुँचेंगे हबा खातून स्प्रिंग पे। अब हमने अपनी शेरा बाइक को वहाँ पर पार्क करके रखा है। ग्रेज में ये वाली जो प्लेस है बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, फॉरेनर्स भी यहाँ ज़रूर आते हैं। इस वक्त हम जो हबा खातून पीक है उसके नीचे से ट्रैक करते हुए हबा खातून स्प्रिंग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, जो नीचे ये स्प्रिंग आपको नज़र आ रही है, ये है हबा खातून की स्प्रिंग। सो वी आर फ्यू फुट स्टेप्स बिहाइंड द फेमस हबा खातून स्प्रिंग। से आप चेकआउट कर सकते हो, ये है हबा खातून की स्प्रिंग। पहले मैं आपको वहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा, वो है हबा खातून की पीक। उसी के नीचे से जो ये पानी निकल रहा है, आप चेक कर सकते हो जूम आउट करके, ये पानी निकल रहा है, इसी को हबा खातून स्प्रिंग कहा जाता है। आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो कि पानी निकल रहा है नीचे से, उसी पीक के नीचे से, हबा खातून की जो पीक है उसी के नीचे से पानी निकल रहा है, उसी को हबा खातून स्प्रिंग कहते हैं। और इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि कहा जाता है कि हबा खातून जो है वो एक मरतबा नियर बाई जो रिवर है वहाँ से पानी ले जा रही थी मटके में, तो जब वो यहाँ पे पहुँची तो मटका नीचे गिर गया, तब से लेके आज तक ये यहाँ से पानी निकल रहा है।
आप यहाँ से चेकआउट करो हबा खातून स्प्रिंग की कितनी ज़्यादा ब्यूटी है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो फॉरेनर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, आप चेकआउट कर सकते हो। अभी मैंने आपको दिखाया कि ये स्प्रिंग कहाँ से निकल रही है, मैं थोड़ा नीचे आया और आपके साथ ये नीचे वाले विजुअल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि जो इसका पानी है बहुत ज़्यादा स्वीट है और इसके कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं, और सुनने में आया है कि ये ब्यूटिफिकेशन के काम आता है। और जो ये पानी है बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, हम इसमें 3 सेकंड से ज़्यादा अपने पाँव नहीं रख सकते हैं और हम एक बोतल पानी भी फुल इसकी नहीं पी सकते हैं, इतना ज़्यादा ये ठंडा पानी है। ये जो आप पीक देख रहे हैं ये है हबा खातून पीक। यहाँ के लोकल से मालूम पड़ा है कि इसके दूसरे तरफ से रास्ता है ऊपर जाने के लिए। आप यहाँ से विजुअल्स को चेकआउट कर सकते हो कि कितने प्यारे विजुअल्स आ रहे हैं। और ये जो विजुअल्स हैं मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये हबा खातून स्प्रिंग जहाँ पे हैं वहाँ से हमें थोड़ा 10-30 कदम आगे जाना है तो आपको ये नज़ारे दिखाई देंगे। आप चेकआउट कीजिए कितने प्यारे विजुअल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप चेकआउट कीजिए जो मिडल वाली पीक आपको नज़र आ रही हैं उसके दूसरे तरफ से पीओके हैं। वापस आ चुके हैं हबा खातून स्प्रिंग से आप। आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर किसी भी रीज़न से आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में किसी अच्छी सी जगह। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, रखिएगा अपने दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।